Hey guys, what's up? Badri Nanak is back with a new video. So guys, welcome back to my channel Badri Fitness. कैसे हो यार आप सब? अच्छे हो ये कार्तिक भाई. Hello guys. तो यार तुम्हारी आज की न्यू वीडियो मतलब लास्ट टॉपिक है हमारे इंटरमीडिएट वर्कआउट का, जिसे आप बोलेंगे थाइस वर्कआउट. यार सारे हमारे बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गए, लाइक मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. लास्ट डे बचा हमारा सैटरडे. सैटरडे को होगा हमारा लेग्स वर्कआउट और वो करना ही करना है यार, उसको मिस नहीं करना हमने. और एक दिन उसको करो बट अच्छे से ट्रेन करो. मैं मानता हूँ हफ्ते में दो दिन नहीं कर पा रहे बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दिन करेंगे और हैवी ट्रेनिंग करेंगे जो हमारे क्वाड्स अच्छे से हमारे मतलब लाइक हमारे सारे ग्लूट्स वगैरह हैमस्ट्रिंग वगैरह अच्छी थाई मतलब मसल बिल्ड हो सके. तो बस यार इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो काफ़ी इफेक्टिव होंगी. आपने देखा था यार जो हमारा बिगनर शेड्यूल था उसके अंदर वेटेड स्क्वाट्स वगैरह नहीं थे, क्योंकि यार स्टार्टिंग में यार बच्चा यार नॉर्मल रोड से नहीं ले पाता तो इसलिए बिगनर शेड्यूल में नहीं थे. बट इंटरमीडिएट में अगर आ गए हो तो आपको हैवी स्क्वाट्स लेने हैं, लैग प्रेस लेनी है और ये चीज़ें आपके जब हैवी लोगे तो ज़रूर यार आपकी थाइस बिगर होगी होगी. तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको फर्स्ट वर्कआउट. और इंस्टाग्राम पर भाई फॉलो कर लेना बदनाम फिटनेस के नाम से. So, चलो स्टार्ट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट वर्कआउट होगा यार हम लेंगे अपना फ्री स्क्वाट्स. बट यार आपको पता होना चाहिए थाई यार काफी बड़ा मसल है और जैसे कि हमारी अपर बॉडी है, अपर बॉडी के अंदर चेस्ट ट्राइसेप काफी सारे मसल्स हैं, शोल्डर बट हम अलग अलग दिन ट्रेन करते हैं. बट ये थाई के ना नीचे ही काफी सारे मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग है, इसके अंदर हमारा ग्लूट्स है, लाइक इसके अंदर हमारा आगे क्वाड्स हो गया, काफ हो गए. तो एक ही दिन में हमारे को अच्छे से इसको ट्रेन करना है तभी यार मजा आएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्री स्क्वाट से. फ्री स्क्वाट से एक तरह से हमारा वार्म अप हो जाता है कि हमारे थाई मसल एक्टिव हो जाएंगे वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए. तो लगाइए हल्के से पैर अंदर कीजिए, अपने शोल्डर लेवल पे हम अपनी ग्रिप को रखेंगे और हल्का सा स्लाइड लेफ्ट और स्लाइड राइट में रखेंगे. और जब भी आप नीचे जाओगे पीछे की तरफ बैठना, समझ जाओ कि आपकी कोई पीछे चीज पड़ी है उसके ऊपर बैठना है. ये घुटने आपके आगे की तरफ नहीं जानी चाहिए, इस तरह से आपके आगे नहीं जानी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. चलो लगाओ, ये बहुत बढ़िया, वन एकदम परफेक्ट, ये टू ये देखो ये लेवल होना चाहिए, ये थ्री एकदम परफेक्ट, ये फोर एकदम परफेक्ट, हाँ दो फाइव बहुत बढ़िया, ये सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. रेपिटेशन हमारे इसके 15 रहेंगे और सेट्स खाली हमारे दो रहेंगे. अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो यार जो हमारा सेकंड वर्कआउट है यार अपना लेंगे इधर वेटेड स्क्वायर से. यार जैसे कि अपने खाली रोड से इसको स्टार्ट कर लेना. ये खाली रोड भी हर एक जिम में किसी जिम में 18 किलो की होती है, किसी में 20 किलो की होती है. तो मेरे हिसाब से खाली वेट आपका सही रहेगा, फिर 5 किलो फिर 10 किलो धीरे धीरे करके वेट कम बढ़ाते रहेंगे और 4 सेट्स रखेंगे रेपिटेशन 8-10. और ये आपको एक चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर हैवी वेट लेना है यार, जितनी हैवी थाई के अंदर वर्कआउट करोगे उतनी ही बिगर आपकी थाई होगी. चलो लगाइए इसकी पोजीशन क्या होती है जब आप अपना रोड के अंदर इसके अंदर घुस रहे हैं. रोड आपके देख लेना गर्दन पे नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना आपके ये जो हमारे यहाँ पे बने होते हैं ट्रैप्स की जो जगह होती है इधर रखेंगे. हाँ चलो उठाइए एकदम परफेक्ट ग्रिप, अंगूठे अंदर के पूरे करते हुए टाइट करके ग्रिप एकदम ठीक है, पूरी ग्रिप टाइट होनी चाहिए वर्कआउट करते समय. चलो जी लगाओ आन दो पीछे, वन एकदम परफेक्ट, ये टू पूरा ऊपर पीछे की तरफ घुटने आन दो, ये थ्री एकदम बहुत बढ़िया आन दो, ये फोर एकदम परफेक्ट, ये फाइव ये सिक्स रख दीजिए. स्टार्टिंग में खाली रोड भी आपको हैवी लगेगी, देखो ये खाली रोड भी अभी इससे बैलेंस नहीं हो पा रही ना क्योंकि कार्तिक भाई भी अभी धीरे धीरे करके जिम स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके वेट डालना इसमें स्टार्ट करेंगे. अब चलो चलते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज पे. सो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज होगी यार ये हमारी होगी लेग एक्सटेंशन. लेग एक्सटेंशन के अंदर हमारे अच्छे से क्वाड्स मसल अच्छे से ट्रेंड हो जाएंगे. तीन सेट्स इसके नॉर्मल रहेंगे और फोर सेट हमारा इसका ड्रॉप रहेगा. फोर्थ जो हमारा ड्रॉप सेट होता है यार उसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है क्योंकि हम टील फेलियर तक जाते हैं, मसल फेलियर होता है उसके अंदर, जो उसका मजा आता है वो अलग ही होता है. क्योंकि यार देखो असली ट्रेनिंग 8 और 10 रेपिटेशन के बाद स्टार्ट होती है और जब उसके अंदर ड्रॉप सेट ऐड कर देंगे तो मसल फेल होएगा ही होएगा. ड्रॉप सेट तीन उसके अंदर सेट डाल देना, ड्रॉप सेट के अंदर मतलब लाइट एक बारी फिर लाइट फिर एक बारी लाइट. चलो करके दिखाता हूँ आपको सीधा ड्रॉप सेट ही दिखाऊंगा. अपने तीन नॉर्मल सेट पहले रख लेना, जैसे 20 मारा फिर 30 मारा 50 मारा, वो आपके ऊपर यार आपकी पावर के हिसाब से वो. चलो लगाओ टू बहुत बढ़िया आंदो ये थ्री बहुत बढ़िया ये पूरा मसल ये ट्रेंड हो जाएगा फोर एकदम परफेक्ट फाइव आंदो सिक्स टचिंग होना चाहिए सेवन एट नाइन एंड टेन रखो इसको ये हमारा लास्ट सेट है जो ड्रॉप चल रहा है तो अपना ऐसा हल्का सा वेट कम किया इसके अंदर लगाओ जी चलो जी करो खींच के कर सकते हैं वन रुकना नहीं है टू परफेक्ट एकदम थ्री एक फोर आन दो फाइव तीन और लगेंगे सिक्स आन दो सेवन लास्ट एट बस वेट हल्का सा कम करेंगे. चलो लगाओ वन आन दो टू कर सकते हो चलो थ्री परफेक्ट एकदम
फोर फाइव माइंड नहीं थकना चाहिए, सिक्स चलो सेवन एट कर सकता नाइन टेन दोर कर दो इलेवन एंड ट्वेल्व। देखा अगर माइंड रुक गया, अगर उसने सोच लिया कि यार छह रेपिटेशन में रख देता हूँ, छह पे रख दूंगा, अगर ठान लिया कि इसके तीस रेपिटेशन निकाल दूंगा तो उसके तीसवीं रेपिटेशन निकाल दूंगा। मानते हो सारी गेम है माइंड की, इसके अंदर माइंड की गेम। अब चलो चलते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज पे। सो यार जो हमारा फोर्थ वर्कआउट है यार हमारा, इसके अंदर लेंगे लेग प्रेस। सारे जिमों में आपको इसको मिलेगी मिलेगी हमारी लेग प्रेस, बट अलग अलग टाइप की होती है जैसे आपको पता ही है। पोजीशन इसके अंदर बहुत मैटर करती है और इसके अंदर हैवी वेट आपको डालना है। देखा होगा कहीं में 300 किलो मार लेते हैं, 400 किलो मार लेते हैं, कहीं इसके अंदर 20 किलो भी नहीं मार पाते, बट क्योंकि इसके अंदर मजा आता है ये, क्योंकि खुद ही ये चलेगी। हमारे को इसमें वेट डालना हैवी, क्वाड्स मसल तो ट्रेन होगा ही होगा, ग्लूट्स होंगे और हैमस्ट्रिंग होंगे। तो एक पोजीशन आप देख लीजिए इसकी फिट की पोजीशन, भी कार्तिक भाई भी आपको करके दिखा देंगे। ये देखिए अपना नॉर्मल इसके ऊपर बैठ गए, अपना ये जो भी आपको जो ग्रिप रखनी है इसकी दिखा दीजिए मोबाइल जरा फिर। ये अपना इसके जो आपकी हमारी फिट है वो हल्के से स्लाइड लेफ्ट और स्लाइड राइट में रहेंगे, अपने वेट उठाएंगे ठीक है। आने तो अच्छे से आने तो पूरा उसको स्क्वीज करते हैं, मसल को पेन फील करते हैं, जान दो तू ऊपर जाके पूरा स्ट्रेट नहीं कर देना, इस तरीके से नहीं, नींद लोक नहीं कर देनी, इस चीज का ध्यान रखना। ये इतना तो हमको रखना ही रखना है, आराम से थ्री पूरा फील करते हैं, फोर पूरा ये हमारा ये ट्रेंड हो रहा है, जब नीचे ला रहा है देखो हमारा ये मसल हो रहा है और ये तो हमारे ग्लूट्स ये ट्रेंड हो रहे हैं इसमें। आओ कार्तिक भाई करके दिखाइए, थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं हमारे भाइयों को। चलो जी अपना अच्छे से बैठ गए, जब इसमें लेट गए तो अपना माइंड को सेट कर लीजिए ठीक है, हल्का पैरों को बाहर करिए थोड़ा सा। हाँ हाँ परफेक्ट है एकदम, चलो उठाइए हाँ लाइए नीचे, पूरा टच नहीं रहना, एक टू पूरा ऊपर जाके टच स्ट्रेट नहीं रहना, हाँ एकदम परफेक्ट थ्री बहुत बढ़िया, ये फोर आ रहा है, आ रहा है मजा आ रहा है, आ रहा है चलो फाइव बात करते हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज की। सो हम लेंगे यार अपना हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करेंगे और इस मशीन का नाम है लेग कर्ल, क्योंकि इसके अंदर हमारा कर्ल होता है यार, जैसे कि हम डंबल कर्ल करते हैं तो ऐसे ही हम इसको पीछे लेग को कर्ल करते हैं। तो जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो अपने आप ही हमारा ये मसल इसमें ट्रेंड होगा। आप बेशक खड़े होकर भी करके देख लोगे ना, अगर मशीन नहीं आ तब भी इसको यूं करते रहोगे तब भी आपके मसल पूरा इसमें कवर हो जाएगा। चलो करके दिखाइए कार्तिक भाई इसका। इसमें दो तरह की मशीनें होती हैं यार, एक तो आपका पूरा जब लेट जाते हैं इसके ऊपर इस तरीके से होती है और एक जैसे लेग एक्सटेंशन टाइप वाली होती है। तो लाए ये पूरा इसके अंदर कवर करते हैं, वन हाँ दो पूरा पलाओ, टू हल्का सा होल्ड करो, टॉप पर होल्ड होता है, थ्री एकदम परफेक्ट, ये फोर बहुत बढ़िया, ये फाइव हाँ दो और ये सिक्स, ये बॉडी को यहाँ से भी टाइट रखना है, यहाँ पे ढीला नहीं छोड़ना था, सेवन चलो ये एट रख दीजिए ठीक है। वर्कआउट कर रहे हो तो हमारी पूरी बॉडी टाइट होनी चाहिए, ये नहीं खाली लेग स्ट्रेंड कर रहे तो ऊपर बॉडी को ढीला छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करना, सारे मसल्स को हमने टाइट रखना है। बात करते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज की। सो यार जब हमारा लास्ट वर्कआउट होगा यार, इससे हमारा पूरी थाई वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। थाई वर्कआउट का कंप्लीट करने का मतलब हमने अपर अपर थाई पूरी कंप्लीट कर ली, अब हमारी रह गई काफ मसल। काफ मसल दो तरीके से ट्रेंड होती है, एक होती है वेटेड काफ, जो यहाँ पे वेट वाली मशीनें होती है, कई जिम में हमारे जिम में नहीं है बट हर एक जिम में कहीं ना कहीं मिल जाती है, और एक होती है आप नॉर्मल अपना स्टैंडिंग काफ रेस, जो अपने बॉडी वेट को ही हम लेंगे, बट ज़्यादातर अपना स्टैंडिंग ये जो होती है मतलब स्टैंडिंग काफ रेस होती है, ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहती है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी वेट और माइंड का कनेक्शन रखना है मसल के साथ, तो प्रॉपर इफेक्ट आना ही आना है। चलो कार्तिक भाई करके दिखाइए, अपने शोल्डर लेवल पे इसको अपने पैरों पर रख लेना, जब ऊपर लाओगे अच्छे से स्क्वीज करना बढ़िया से, इसके अंदर 20 रेपिटेशन तो रखना ही रखना, 20 25 जा सकते हो क्योंकि अलग ही मजा आता है, 18 16 जितना आपका दिल करे, इसके अंदर कोई वो लिमिट नहीं है। कोशिश करो अगर आप किसी दिन ट्राइसेप वाले दिन भी इसको हफ्ते में दो दिन ट्रेन कर लो, क्योंकि काफ मसल या हमारा ज्यादा एक्टिव रहता है, तो इसलिए अपना हफ्ते में दो दिन भी आप इसको ट्रेन कर सकते हो। चलो वन टू ऊपर आके होल्ड करो, थ्री हाँ दो होल्ड करो ऊपर, फोर आएगा आएगा ये बिल्ड होएगा, अच्छे फाइव ये पूरा काफ मसल है, सिक्स आन दो ये, सेवन ऊपर होल्ड हल्का सा, एट हाँ ये जितना होल्ड करोगे तभी फील आएगा बढ़िया, आन दो लगाओ चलो, दस और लग जाएंगे इसमें, एक दो चलो तीन चार आन दो पांच कर दो फेल इसको, छ सात आठ नौ एंड टेन, बस आया ना
दस बारह मार तक कोई मजा आता, सही बताओ? नहीं आता ना, पता ही नहीं चलता। 15 के बाद ही अच्छा इसके अंदर फील आता है। सो आज की वीडियो हमारी यही कंप्लीट होती है। देखा होगा आपने किस तरीके से हमने वर्कआउट को किया, लाइक अपना थाई वर्कआउट के अंदर अपने क्वाड्स से ट्रेन कर लिया, हैमस्ट्रिंग भी ट्रेन कर लिया, अपने ग्लूट्स से कर लिए। तो बस यार वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम कमेंट करिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, और 200K सब्सक्राइबर तक रीच करवाइए। नेक्स्ट सीरीज आपके लिए लाते हैं वेट लॉस की। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।